Good morning everyone. Today we are going to discuss active passive of present continuous tense. What is present continuous tense? Present continuous de vich ki hunda je apan basic dekhiye ta vak de ant vich रहा है, रही है, रही हन, रहियां हन, आद, लगदा है। की हुंदा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दे विच वाक दे अंत विच रहा है, रही है, रहे हन, आद लगदा है। सपोज मैं जा रहा हाँ, जा मैं जा रही हाँ। सो दिस इज रहा है, रही है, जो है तुहाडा, ये शो करता कि कॉन्टीन्यूअस जो काम लगातार हो रहा है। बच्चे दे विच जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करांगे इज एम आर, और वर्ब दी जड़ी फॉर्म होएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब यूज होएगी इज एम आर, और वर्ब यूज होएगी फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म। जो थोड़ा एक्टिव टेंस है, एक्टिव दे विच आएगा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। I is subject, M is helping verb, this is V1 plus ing, और last ते हैगा object, I am singing a song। अपा हमेशा object नू अगे लेके बनावांगे subject, और last ते बन जाएगा तुहाडा subject तो object। A song लिखांगे अपा, a song single है ता is लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, ठीक है। अगर थोड़ा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट सिंगुलर आ, देन यू विल यूज इज, अगर प्लूरल आ यू विल यूज आर। हुन अ सोंग आ, एक गाना, इट मीन्स अ सोंग, अ सोंग आप लगावेंगे इज, और इस दे नाल जो थोड़ी आई एन जी आ, ठीक है, आप एज अ बीइंग यूज करेंगे, बीइंग, अ सोंग इज बीइंग। दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय, और आई दा बन गया अपने कोले लास्ट ते मी, अ सोंग इज बीइंग संग बाय मी, आई एम सिंगिंग अ सोंग। अ सोंग तुसी अगे लेके आए, सिंगुलर से इज लगाया, इसमें आप लगावेंगे बीइंग, अ सोंग इज बीइंग, थर्ड फॉर्म वर्ब दी संग बाय लगा के, और आई लास्ट ते बन गया मी, ठीक है। इस तो बाद वी विल सी He is driving a car. He is driving a car. He subject is helping verb. Driving verb the first form ing or a car. हुन तुसी a car नू अग्गे लेके आऊंगी. A car singular is लग गया. Is being drive the third form drive drove driven. By और ही दा बन गया लास्ट आके हिम, ठीक है। अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। बेटा आई किद विच चेंज होएगा, मीच, ही, हिमच, शी, हर, वी, अस, दे, देम, वी, अस, और यू दा की रह जाएगा यू। ये तुसी जड़े वॉयस टाइम चेंज करने हैं, आई नू मिच चेंज करोगे, ठीक है, ही नू हिमच, शी नू हर्च, वी नू अस, दे देम, वी द अस, एंड यू द मी। अगर थोड़े को सिंगुलर आ तो यूज करोगे इज प्लस बी, अगर प्लूरल थोड़े को हैगा देन यू विल यूज आर प्लस बीइंग,
और आई ना तुसी यूज करोगे आई एम बीइंग। हुण इस तो बाद अपने अगे आ गया वी आर पेंटिंग अ हाउस, वी आर पेंटिंग अ हाउस। हुण पता अ हाउस की आ अगे आएगा, तुसी इन्हें देखना कि आ सिंगल अके प्लूरल, तुसी लास्ट ते ऑब्जेक्ट चेक करोगी, लास्ट चेक करना सिंगल अके प्लूरल, अगर ये सिंगल तो इस लगेगा प्लूरल तो आर लगेगा। अ हाउस, हाउस आ गया अगे, हाउस इज बीइंग। थर्ड फॉर्म वर्ब की बन गई पेंटड, पेंटड बाय विदा बन गया अपने कोले अस। अ हाउस इज बीइंग पेंटड बाय अस। नेक्स्ट है अपने कोले यू आर वॉचिंग अ मूवी, लास्ट ऑब्जेक्ट तुसी देखो सिंगुलर आ, अ मूवी, अ मूवी अगे ले आए, अ मूवी इज, ठीक है सिंगुलर आ तो आप इज लगावे, दैन बीइंग, अ मूवी इज बीइंग, दैन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच्ड बाय, यू का लास्ट बन गया यू, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। नेक्स्ट they are cutting the fruit, ਉਹ ਫਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੂਟਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਫਰੂਟਸ, ਦਾ ਫਰੂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਦਾ ਫਰੂਟਸ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਆਰ ਬੀਨ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਕੱਟ ਬਾਈ ਦੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਮ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਿਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕਰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਜ਼ਵਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਾਜ਼ਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਆ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿੰਗਲ ਆ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੀਂਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੀਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਬੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਨੋਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਆ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਅ ਸੌਂਗ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਂਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਨੋਟ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਐਮ ਨੋਟ, ਆਰ ਨੋਟ, ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਅ ਸੌਂਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਂਗ, ਦੈਨ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਸੰਗ ਬਾਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਅ ਟ੍ਰੀ, ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀ ਅੱਗੇ, ਅ ਟ੍ਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਂਗ, ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲਾਂਟਡ ਬਾਏ ਵੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਓਬਜੈਕਟ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਲਗਾਓਗੇ, ਬਾਏ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਆ ਕੇ ਓਬਜੈਕਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਜ਼ ਆਈ, ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ,
इंटेरोगेट दे विच जिथे तुहाडी हेल्पिंग वर्ब दिती हुई है तुसी उसनू एज इट इज़ उस पोजिशन ते ही रखोगे। लास्ट ते तुसी चेक करोगे तुहाडा ऑब्जेक्ट। अ सोंग की आ सिंगुलर आ उन्हों अगे लिया इज अ सोंग हुण लगेगा तुहाडा बीइंग इज अ सोंग बीइंग दैन संग बाय शी दा बन गया हर। लास्ट ते इंटरोगेशन सोंग अगे लैके आंदा सिंगल सीगा ता इज लगाया दैन बीइंग लगा के वर्ब दी थर्ड फॉर्म बाय एंड हर। एक एग्जाम्पल होर देख लैने आर वी क्लिकिंग द फोटो हुण देखण दा फोटो एक फोटो की गल हो रही है सिंगल आ तो पहला द फोटो तुसी अगे लेके आओ सिंगल सीगी तो आप लगावे इज वो आप अगे लगा लिया इज द फोटो हुण आई एन जी की जगह पर आप एज अ बीइंग यूज करांगे इज द फोटो बीइंग दैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लिक्ड बाय वी दा बन गया पिछे आके अस साइन ऑफ इंटरोगेशन इज द फोटो बीइंग क्लिक्ड बाय अस। बेटा दिस इज योर एक्टिव पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। आई रिपीट के ये लास्ट से रहा है रही है लगता हेल्पिंग वर्ब दे विच इज ए मारन दिया ते वर्ब दी फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी लग्या हुंदा इहदी पहचान आ टेंस की हैल्पिंग वर्ब इज एम आर और फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे नाल आई एन जी हुंदा दैट इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। यदि एक्टिव पैसिव करन दे टाइम तुसी आई एम सिंगिंग अ सोंग तुहानू एक इदां दा टेंस आएगा तुसी लास्ट से देखना सिंगल आ अगर सिंगुलर आ तां इज लगाओगे अगर प्लूरल आ तां आर लगाओगे। ठीक है अगर सिंगुलर आ तां आपां की लगावांगे इज अगर प्लूरल आ तां आर यूज करांगे। सो लास्ट से चैक किया अ सोंग सिंगुलर सी तां आपां लगाया इज अ सोंग इज दैन बीइंग बनाया आपां संग थर्ड फॉर्म बाय मी। ठीक है वर्ब दी थर्ड फॉर्म अ सोंग इज बीइंग संग बाय मी। सो इस तरह जो जी सारा आप जो टेंस है ये कंप्लीट किया। सो आई होप तो बच्चों जोड़ा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जी वॉयस आ क्लीयर हो गई होगी। सो जोड़े बच्चे पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सबसक्राइब दिस चैनल लाइक एंड शेयर द वीडियो कमेंट करो अच्छी लगी आ। ठीक है अगर बुरी लगी तो भी कोई ना कोई कमेंट जरूर करा करो। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।